ये देखो, ये भाजी बर्गर बन रहा है और ये प्योर अमूल बटर के अंदर बना। देखो कितना घी है। देखो आपने पाव भाजी बहुत खाई होगी पर कभी आपने भाजी बर्गर नहीं खाया होगा, तो देख लो दोस्तों भाजी बर्गर भी देख लो भाई जिंदगी में। कट काट के भैया भाजी लगा रहे हैं। देखो ये भाजी लगा लगा के रखने लग रही है। इसके बाद इसको प्योरली अमूल बटर के अंदर फ्राई करेंगे। गुस्सा क्यों नहीं थे आप? कभी किसी दिन आप भड़क जाओ और कस्टमर की चाउमीन में नमक तेज या मिर्ची तेज करके दे दो। अरे यार हाँ 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 परफेक्ट है। राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों को और सौम्यजीत की बहनों को। उधर लगा पड़ा है आपका प्यारा भाई। दोस्तों आज हम आए हैं हुड्डा मार्केट सेक्टर 3 फरीदाबाद, पिंटू बर्गर पॉइंट, जो अपनी बर्गरों की यूनिकता यानी कि बोले तो भाई स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं भाजी बर्गर। बर्गर बहुत खाए होंगे आप लोगों ने, चाउमीन बर्गर, पनीर बर्गर, मोमोज बर्गर, पर कभी भाजी बर्गर खाएं हैं? मुझे अच्छा लगेगा तो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों ये देखो, ये जो पाँव और जो टिक्कियाँ हैं वो सेकी जा रही हैं। वो जो हमने दिखाया भी वो था टिक्की बर्गर नॉर्मल, उसमें अब वो बनने के बाद काट के उसके अंदर आलू वगैरह लगा देंगे। और ये देखो ये भाजी बर्गर बन रहा है और ये प्योर अमूल बटर के अंदर बना। देखो कितना घी है। देखो ये देखो कितना घी है। भाई साहब का शुभ नाम पिंटू। अच्छा भाई साहब का नाम ये पिंटू। मैं मगा यार छोटे बच्चे वगैरह का होगा। वो कितनी मात्रा में अमूल के बटर निकाल बटर आए जाते हैं। कितने बजे तक की टाइमिंग? 5 बजे से 10 बजे। 5 बजे शाम से 10 बजे रात। कितने सालों से आते हो आप यहाँ पे? मैं तो 2-3 बार आया हूँ। शुभ नाम भोला। भाई साहब का नाम है शुभ नाम भोला। जय बाबा भोले की और भाई साहब जय राम जी की। तो कैसा लगा आपको 2-3 बार? अच्छा लगा। ये देखो भाजी, अभी इसमें अमूल बटर के टुकड़े डाले, वो देखो अच्छी तरीके से मेल्ट भी नहीं है वो बटर। अब मेरे ख्याल से और बटर डालेगा अभी, है ना? वो देखो वो भाई और बटर डाल रहा है काट काट के टुकड़ों में। ये देखो यार भाजी बिल्कुल कम्प्लीटली बटर के अंदर फ्राई हो रही है। आपने पाव भाजी बहुत खाई होगी पर कभी आपने भाजी बर्गर नहीं खाया होगा, तो देख लो दोस्तों भाजी बर्गर भी देख लो अपनी जिंदगी में। ये देखो यार चटनी देख लो कितनी गाढ़ी है। ये देखो गोल गोल गाड़ी वाली चटनी है। और ये देखो ये नारियल चटनी। ओह इसमें देखो बर्फ़ के टुकड़े भी डले हुए हैं ताकि चटनी थोड़ी ठंडी रहे। काट काट के भैया भाजी लगा रहे हैं। देखो ये भाजी लगा लगा के रखने लग रही है। इसके बाद इसको प्योरली अमूल बटर के अंदर फ्राई करेंगे। ओह भाई ये देखो भर भर के भाजी लगा रहे हैं, भर भर के। और ये इधर सिंपल वाले बर्गर रखे, इनका प्राइस है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये। ओह कितना क्रिस्पी है भाई। और ये देखो ये भैया को एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो चुका है, बिना किसी सहारे के गरम गरम बर्गर को ऐसे हाथ से काटे जा रहे हैं, हाथ लगा के। पनीर के स्लाइसेस देखो, पनीर पकोड़े में भी इतना मोटा स्लाइस नहीं आया जितना यहाँ पे बेच के ये बर्गर के अंदर दे रहे हैं। देख रहे हो प्याज देखो यार, सब चीज़ें ये पहले से काट के लेके आया अपने घर से। ये इसलिए शाम को 5 बजे लगा रहे ताकि ये आराम से तैयारियाँ कर सकें। शुभ नाम कटकून। कटकून कटकून है, मजाक में कहते हैं आपको प्याज कट। अरे यार हाँ 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 परफेक्ट है। चलो श्री जी वाले भाई साहब के पास जाने के बाद थोड़ा सा ये हुआ, मेरे को थोड़ी सी खर्ची चलानी आ गई। बताओ ना यार भैया, प्यार से बोलते हैं आपको कटकून तो यार। हुआ नाम क्या है आपका? धीरज। तो भैया को प्यार से कटकून बोलते हैं। और यार बड़े ही मजाकिया इंसान है यार, ये भी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते यार अपने नाम का। और मैंने इनसे एक बार कर्ची दिखा दी, पर इन्होंने ये देख के निकलने को हो रहा है कि यही चाउमीन बना के दे देगा। ये देखो ये पत्ता गोभी वगैरह डाल दिए। देखिए कभी हल्की फुल्की पत्ता गोभी लोग डालते हैं। ये देखो कितनी डालते हैं। ये बाहर मत फेंक रहे थे यार। वही तो है। देखो अगर मैं ऐसे अपनी जेब कर लूँ तो मेरी जेब में कम से कम 100-200 ग्राम पत्ता गोभी भर जाए। शाम तक लगे रहा फिर जेब लेके। कस्टमर भी यार इनको कुछ कुछ कहाँ से जानते हैं यार, बताओ। गुस्सा क्यों नहीं थे आप? कभी किसी दिन आप भड़क जाओ और कस्टमर की चाउमीन में नमक तेज या मिर्ची तेज करके दे दो। उनका नाम भी कुछ रखा होगा फिर तो आपने। उसका है माधो। माधो हाँ माधो माधो। यहाँ तो बढ़िया ना हो यार। वो भैया पता है वो क्या बोल रहे उधर बैठा? देखो एक बार दिखाओ उसको, दिखाओ यार। हाँ, वो जो बैठा है ऊपर, मैं उसको बोलने गया कि भैया चटनी किस चीज़ की बना रहे हो, तो वो नए लगे अभी 3-4 दिन पहले, बोल रहे हैं मूंगफली की चटनी बना रहा हूँ। उन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार, टोटली कह रहा है मूंगफली की चटनी बना रहा हूँ, जबकि वो बंदा नारियल की चटनी पैक करने में लगा हुआ है काफ़ी देर से। देखो वहाँ बैठ के पैक कर रहा है। इतनी भारी मात्रा में बर्गर रेडी हो गए हैं। सिंपल ये सिंपल वाले आलू की टिक्की है, ये इतनी क्रिस्पी है। देखो ये देखो। तो फिर तो भाई साहब कहाँ से आइडिया है आपको बर्गर बनाने का? यहीं से है। अच्छा दिल से आवाज़ आएगी तू बर्गर बना और बर्गर बनाना शुरू। हाँ तो फिर ये भाजी बर्गर का दिमाग लगाओ। भाजी बर्गर नॉर्मल मेरे ख्याल से कहीं सब जगह मिलता नहीं है। नॉर्मल तो हर जगह मिलता है, भाजी कम मिलता। हाँ भाजी बर्गर का आइडिया कहाँ से ये या फिर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया किसी दिन फिर अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। अच्छा आपने खुद से बना के देखा तो आपको पर्सनली बहुत बेस्ट लगा तो आपने कस्टमर को भी देना स्टार्ट कर दिया? हाँ जी हाँ जी। ये देखो ये बर्गर के अंदर भाजी है, फिर इसके अंदर इन्होंने ये सिम ये कटी हुई पत्ता गोभी, दो प्याज की स्लाइस, उसके बाद टमाटर का स्लाइस और ये पनीर का स्लाइस और इसके काट दिए बीच में से दो टुकड़े और ये कर रहे हैं पैक। अगर तो सर कोई कस्टमर पैक करवा के ले जाना चाहे तो कितनी दूर तक लेके जा सकता है? वो बोला भैया कहता हुआ स्पेशल डबल पनीर वाला ऑर्डर है ना और मेरे को बोले थे मैं 2-3 बार आया हूँ। इतने ज़बरदस्त फैन देखो कितने बर्गर पैक करवा के लेके जा रहे हैं। पिंटू भैया भैया आपसे मिलने के बाद मेरा एक दोस्त है उत्तरांचल का, उसका नाम ही पिंटू है। उसकी याद आ गई यार। क्यों भाई त्रिवन तेरी याद आ गया? पिंटू भैया से मिल गए यार भाई। आओ यार जल्दी धारा डबा भी यार उत्तरांचल से तू। तो हरीश भाई पहले आप खाओ या मैं खाऊं? कर शुरू। आप ही खाओ ना यार, आप हर बार लास्ट आते हो यार, कभी तो पहले खाओ। कंपटीशन में आप फर्स्ट आते हो। मैं जब तक वैसे आपको भी ट्राई कर रहा हूँ। तो टिपिकल 2 टाइप की चटनी है हमारे पास, एक नारियल वाली चटनी है, एक टमाटर वाली चटनी है जो कि कुछ अलग मिली है। नारियल की चटनी हमेशा सांभर के साथ दी जाती है पर आज पहली बार बर्गर के साथ मुझे नारियल की चटनी मिली है। और ये पिंटू भैया का स्पेशल भाजी बर्गर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको खाने के लिए आपको फरीदाबाद में आना पड़ेगा। ये देखो बहुत ही फेमस है, बहुत ही यार बहुत ओवर लेवल का चीज़ है। ये देखो यार ये देखो भाजी देखो बाहर निकलने को हो रही है यहाँ से भी। पनीर देखो भाई कितनी मोटी लेयर है पनीर की। तो नारियल चटनी के साथ पहले बाइट। नारियल चटनी के साथ ज़बरदस्त टेस्ट आया। एक बार मैं इनकी टमाटर वाली चटनी और देखना चाहूँगा यार किस तरीके की है। वो टिपिकल सॉस जैसी ही अलग है, टेस्ट सॉस जैसा ही है पर ये सॉस से काफ़ी बेटर है। टोटली एक डिफरेंट टेस्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि जब आप खाओगे ना तो आपको 1% तो ये फील होगा ही नहीं कि आप बर्गर खा रहे, डिफरेंट लगेगा आपको। बर्गर और भाजी दोनों का टेस्ट एक ही चीज़ में मिल जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।